हमारा जो चैप्टर चल रहा है, हमारा पर्यावरण, इसको आगे बढ़ाते हैं। और आज हमारा जो सेशन है, इसमें हम लोग आहार श्रृंखला की बात करते हैं, फूड चेन की बात करते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने जो अभी तक सीखा है, वो हमने देखा कि ये हम पर्यावरण में क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमने परिचय में समझा कि कैसे पर्यावरण में क्या क्या चीजें उपस्थित हैं और किस प्रकार ये जो हमारे जो जैव और अजैव कारक है वो एक दूसरे पे, कहें हम डिपेंडेंट हैं, ये हम लोगों ने समझ लिया है अपने इन दो सेशंस में। परितंत्र में हमने इससे पहले वाला जो हमारा सेशन था उसमें हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था, कैसे ये एक आर्टिफिशियल और एक मैनमेड भी हो सकता है। तो अब हमारी जो फूड चेन है, इसके बारे में हम आज बात करते हैं। तो आज फूड चेन का मतलब क्या हुआ? ये जीवों की वो एक वो श्रृंखला है जिसमें अगर हम देखें प्रत्येक एक स्टेप पे, प्रत्येक एक चरण में एक पोषी स्तर का निर्माण होता है कि, और इसमें दूसरी जो चीज है कि जिसमें जीव एक दूसरे का आहार करते हैं। तो पोषी स्तर क्या हमारा न्यूट्रिशनल फैक्ट्स का जाता है, और उसमें हम ये देखते हैं कि इस लेवल में जो जीव है वो किस प्रकार, इससे पहला जो लेवल है या इसके बाद का जो लेवल है उस पर वो डिपेंडेंट होते हैं। तो इसके थ्रू हम लोग क्या देखते हैं, इस प्रकार विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की इस श्रृंखला को हम आहार श्रृंखला कहते हैं। तो ये फूड चेन, आहार श्रृंखला, ये मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ ये आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक नहीं है, और उसके साथ अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं आपको इसका थोड़ा सा आइडिया है। तो जो मेन चीज समझने की है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो ये जो हमारी फूड चेन होती है, तो ये हम देखते हैं एक सिंपल भी होती है, एक थोड़ा सा अगर कहें एक इलोंगेटेड, एक लंबी भी होती है। एक सिंपल हमारा एग्जाम्पल आ गया कि हरे पौधे, इनको हिरण खाते हैं और हिरण को बाघ खाता है। ये हम लोगों ने अपने प्राइमरी लेवल में सीख चुके हैं। और थोड़ा सा चलते हैं, अब यही थोड़ी है, हम इसको और भी देखते हैं कि हरे पौधे को खा रही हिरण थोड़ी, टिड्डा भी खा सकता है। तो टिड्डे को कौन खाता है? मेढक। मेढक को कौन खाता है? सांप। सांप को कौन खाता है? चील। तो यहाँ पे हमने पहले ये देखा कि बाघ हिरण को ही खाता है, लेकिन अगर हम देखें तो बाघ मेढक को भी खा सकता है, टिड्डे को भी। तो ये जो एक हम देखते हैं, तो ये इस टाइप से अगर देखें तो ये एक हमारा एक सीक्वेंस चलता चला आ रहा है। तो अगर हम कहें कि कोई हमारा ऐसा जीव है जो दूसरे जानवरों को खा सकता है, तो वर्ड सुनिए, जानवरों को, मीन्स वो एक जानवर नहीं, वो कई प्रकार के जानवर खा सकता है। अगर हम शेर बाघ की बात करें तो वो हिरण को भी खा सकता है, वो गाय को भी खा सकता है। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि, और जैसे हरे पौधे की बात करी तो हम देखते हैं कि हरा पौधा, हिरण, टिड्डा, ऐसे बहुत सारे जीवों द्वारा खाए जा सकते हैं। आपकी ये चीजें हैं। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे एक बिच्छू का, ये मुझे बड़ा यूनिक एक एग्जाम्पल मिला तो इसलिए आप लोग के सामने रखा कि बिच्छू को मछली, मतलब मछली बिच्छू को खा सकती है और बगुला मछली को खा जाता है। तो हम इस टाइप से देखते हैं कि कैसे एक जीव दूसरे कुछ एक एक टाइप का आहार ले रहा है, और वो जीव जो है वो किसी और का आहार बन सकता है, ये हम लोगों ने समझा है। तो ये जो आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा जो कड़ी होती है, एक पोषी स्तर बनाते हैं, स्वपोषी अथवा उत्पादक ये प्रथम स्तर बनाते हैं। तो यहाँ ये देखिए, ये आपकी बुक से ये पार्ट लिया है मैंने, तो और इसलिए ये इंपॉर्टेंट लाइंस को मैंने अंडरलाइन कर रहा है कि आप इस बातों का ध्यान रखें कि स्वपोषी अथवा उत्पादक जो होता है, ये देखिए ये प्रथम आपका स्तर है, तथा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ पे ये जो उत्पादक है, ये कैसे सोलर एनर्जी यूज करके अपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनको आगे जो हमारे, अगर हम देखें जो आगे चरण वाले हैं वो इन पर डिपेंडेंट है। फिर हम लोग देखते हैं हमारा जो दूसरा, ये इसके बाद का आ जाता है, वो आ जाता है प्राथमिक उपभोक्ता, जिनको हम शाकाहारी भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये द्वितीय पोषी स्तर बनाते हैं, ये जो है ये सेकेंड पोषी स्तर है, ठीक है। फिर छोटे जो मांसाहारी है, ये क्या हो जाता है, हाँ, इस यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी,
ये टर्म्स में आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं, लेकिन ये जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो द्वितीय पोषी स्तर बनाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो ये आप क्योंकि हम देखते हैं ये द्वितीय उपभोक्ता, तो आप द्वितीय उपभोक्ता जो है वो तृतीय जो है तीसरा पोषी स्तर बनाते हैं। तो ये आपके, क्योंकि कभी कभी आपके सामने ये एक पिक्चर आ जाती है और उसमें ये पूछते हैं कि कौन सा पोषी स्तर है, तो आप इस वर्ड से आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखें। ये टर्म्स हमारे, हम सोचते हैं समझ में आ गए, लेकिन जब प्रश्न ऐसे थोड़े से ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं हम कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये चीज याद रखें, आपके जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो प्रथम पोषी स्तर है, ठीक है? ये जो प्राथमिक उपभोक्ता है ये द्वितीय पोषी स्तर है, और द्वितीय उपभोक्ता ये तृतीय है, ठीक है? और तृतीय उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। तो इस टाइप से हम देखें ये हमारे, तो जैसा हमने करा था डिफरेंट स्तर, या तो 3 या 4 लेवल का हम लोग बात करते हैं, तो कहीं कहीं होता है यही आके खत्म हो जाता है, कहीं कहीं ये तृतीय उपभोक्ता तक पहुंच जाता है। तो जैसा हमने ये देखा कि अगर जो मेढक है वो मछली को खा रहा है और फिर बगुला मेढक को खा रहा है, तो ये हमने देखा कैसे, अगर देखें तो कैसे ये हम लेवल्स को इंक्रीज होता हुआ देख रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, और जो अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो पर्यावरण में ऊर्जा का अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में ह्रास होता है। ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम समझने जा रहे हैं, इसका क्या अर्थ हुआ इसको, चलिए हम थोड़ा सा पहले इन पॉइंट्स को समझते हैं और फिर मैं थोड़ा आपको और समझाऊंगी कि ये जो स्थलीय परितंत्र में जो हरे हमारे जो पौधे हैं जो अपना खुद भोजन बना रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये ऊर्जा, सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये समझ लीजिए कितनी एनर्जी जो है वो हमारी एनवायरनमेंट में ही फैली हुई है। तो एक इस बात को आप ऐसे भी समझे कि जब हम कहते हैं कि हम भोजन से ऊर्जा ले रहे हैं, तो ऊर्जा का एक तो हमने डाइजेशन प्रोसेस पढ़ा है कि कैसे ऑक्सीजन के साथ उनका एक कॉम्बो होता है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता, एक तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे डाइजेशन प्रोसेस में जो हम खाना खाते हैं उसका जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो जो एनर्जी कैसे, जो हमारे फूड में जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है। तो सौर ऊर्जा का सिर्फ 1% भाग ही खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है, और जब ये हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं, मीन्स जैसे हम भी एक टाइप से प्राथमिक के, हम भी सब्जियां डायरेक्ट खाते हैं, गाय है हिरण है ये जब खाते हैं, तो ऊर्जा की जो बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में फिर से ह्रास होता है, और कुछ मात्रा का उपयोग हम अपने डाइजेशन या जो हमारे बॉडी की जो और फंक्शन है उसमें वो यूज हो जाता है, वृद्धि में जनन में होता है। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदला जाता है और अगले स्तर के जो उपभोक्ता होते हैं उनको उपलब्ध होता है। तो इसका एक अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट ले, तो जैसा हमने यहाँ ये ऊपर पढ़ा है कि पर्यावरण में ऊर्जा का अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में ह्रास होता है, तो आप ये देखिए कि हमने जो अगर कोई एक जंतु है हिरण है, उसने जो एक उससे ली वो काफी एनर्जी तो उसने अपने जो उसके बॉडी फंक्शंस है उसमें यूज हो गई, फिर उसका कुछ ही भाग जब जो अगर शेर उसको उसको खा रहा है, तो ये समझ लीजिए जो ऊर्जा है उसको वो उतनी नहीं गई जितना हिरण ने वो पत्तियों को खाकर ली थी, काफी ऊर्जा उसने अपने यूज कर ली और कुछ ऊर्जा का ह्रास हो गया। तो इस टाइप से देखें कि हम अगर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक हिरण थोड़ी सी घास फूस खा के उसको उतनी एनर्जी मिल जाती है, लेकिन एक लाइन अगर वह हिरण को खा रहा है वो पूरा पूरा एक हिरण खा जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमें लग तो रहा है कि उसने इतना बड़ा हिरण खाया, लेकिन उसको ऊर्जा काफी कम मिली है।
इसमें हम एक चीज और देखते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक जाता है। तो आप यह समझ लीजिए कि जितना हम ले रहे हैं, अगर मलिया कोई भी जीव ले रहा है एक उसके अंदर ऊर्जा, तो दूसरा जीव अगर उसका उपभोग कर रहा है तो उसके पास जितनी ऊर्जा है उसका 10% ही आगे ट्रांसमिट होगा। तो ऐसे अगर हम देख रहे हैं तो ऊर्जा का कितना ह्रास होता चला जा रहा है। कि अगर समय के आप ये अगर चाहें तो एक मैथमेटिकल आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप समझ लीजिए कि 1 का 10% कितना होगा, वो जो वैल्यू आपकी आई उसका फिर 10% निकालें, और वो जो वैल्यू आई उसका 10% निकालें। सिर्फ इतनी ही ऊर्जा आगे जा रही है। तो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आप इस चीज को और ज्यादा समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध होती है, इसलिए आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण ही इस कारण आहार श्रृंखला में 3 या अथवा 4 चरण की ही होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। क्योंकि आगे जो अगर उनको जीव खाएगा तो एक टाइप से उसको कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। तो ये जो पॉइंट्स है ये आपके बुक में बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपको ये मैं सामने रख रही हूँ। सेम आपके बुक में भी है, तो आप चाहें तो एक बार बुक खोल के भी देखें कि कैसे आपका जो चैप्टर चल रहा है उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। और कभी अगर आपको लगता है कि बुक से पढ़ने से आसानी होगी तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे ये एक आपका प्रश्न में का उत्तर यहाँ पे आ गया कि ये जो हमारी आहार श्रृंखला है वो 3 या 4 चरण की क्यों ही क्यों होती है और ज्यादा की क्यों नहीं होती। तो उसका सिंपल एक आंसर जाएगा, क्योंकि ऊर्जा का 10% मात्र ही आगे जो अगर कहीं स्टेजेस हुए हैं उनमें जा सकता है। तो धीरे जैसे जैसे आहार श्रृंखला बढ़ रही है ऊर्जा कम पहुंच रही है, चाहे वो भोजन कितना भी ले रहे हो। इसके साथ हम लोग देखते हैं आहार जाल। ये विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफी अंतर होता है। मूल रूप से प्रत्येक जीव 2 अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं आहार जाल। आहार जाल देखिए तो ये कॉम्प्लेक्स है कि हाँ, ये आपको एक पिक्चर दिखाई है। तो ये एक अगर हम देखें तो इसमें हमें एक कॉम्प्लेक्सिटी ये दिखाई देती है कि हमने जो अभी एक फूड चेन में देखा था, एक प्राणी एक को खा, एक प्राणी कुछ एक फल फूल या घास खा रहा है उसको एक खा रहा है, और फिर वो जो है अगर हम आगे की स्टेजेस जा रहे हैं उस जीव को कोई और जीव खा रहा है। ये एक सिंपल है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि घास सिर्फ एक ही पशु या पक्षी खाए, बहुत से हो सकते हैं और उनको खाने के भी और अन्य जंतु हो सकते हैं। तो ये जब जब बहुत सारा एक हम कॉम्बिनेशन लाते हैं वो एक आहार जाल के रूप में आ जाता है। तो जैसा हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमारे अगर हम पेड़ों का उनका देखें तो विभिन्न प्रकार के हैं, पेड़ भी हैं, घास फूस भी है, छोटे पौधे भी हैं, उनको हम देख रहे हैं एक अलग अलग। जैसे यहाँ पे खरगोश है, यहाँ पे आप बकरी कुछ दिखाया हुआ है, और तो इस टाइप से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कुछ जंतु हैं जो उनसे अपना पोषण ले रहे हैं। लेकिन फिर हम ये देख रहे हैं कि जैसे अगर ये चूहा है तो इसको अलग अलग बहुत से जीव हैं जो खा सकते हैं। तो जब हम इनके रूप में जब ऐसे बात करते हैं तो ये एक पूरा आहार जाल बन जाता है। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं मूल रूप से प्रत्येक जीव 2 अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बन जाता है। तो जो एक जीव को खा रहा है वो खुद भी किसी और का आहार बन सकता है। तो ये सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य जो आहार का जो एक संबंध है वो हम आहार जाल के द्वारा समझते हैं। तो और हम ये भी जानते हैं कि भोजन हम खाते हैं हमारे लिए ऊर्जा स्रोत का ये कार्य करता है। भोजन जो हमारा है वो भोजन एक ऊर्जा प्रदान करने वाला एक सोर्स है, और ये ऊर्जा हम अलग अलग कार्यों के लिए यूज करते हैं। इसलिए क्या है, पर्यावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर अगर देखें एक आपस में इंटरेक्शन अनुक्रिया होती है, और
इस टाइप से जब एक आपस में एक कनेक्शन है, इसीलिए जो ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो अगर अब जो अब तक हमने समझा उसको हम देखें, तो जो हमने प्लांट्स ने जो सोलर से जो एनर्जी ली थी, वो कैसे हम अगर देखें तो हमारा थर्ड या फोर्थ लेवल तक जो जो फूड चेन का जा रहा है उस तक कैसे जाती है, वो हम लोगों ने अभी समझा है। अब इसमें एक और चीज हम देखते हैं, जब अगर हम जब इस चित्र की तरफ देखते हैं तो हम ये देखते हैं ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, कि सूर्य से ऊर्जा कहाँ है, ये धरती पर आ रही है जिसको प्लांट्स ले रहे हैं, और प्लांट से ये फिर आगे जा रही है, आगे जो फूड चेन है उसमें जा रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ जो ऊर्जा है ये वापस सूर्य के पास जा रही है। तो कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार शंकर से होते हुए हमारे शरीर में इस कारण प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि जो हमारा जैसे जैसे हमने जो एक चाहे फायदे की चीज या अगर कोई कहे नुकसान वाली चीज हमारे एक किसी जीव में आ गई है और वो जीव किसी और जीव के द्वारा खाया जा रहा है, तो वो क्या है, जो वो ऊर्जा है, जैसा हमने देखा कि ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में हो रहा है, मीन्स वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, वो वापस नहीं जा रहा है। इस कारण हमें जैसे ऊर्जा हमारी आगे चेन में जा रही है, इस प्रकार अगर कोई नुकसान वाली चीज अगर किसी एक जंतु में आ जाए तो वो जो एक है जो एक हानिकारक चीज है वो फूड चेन में आगे बढ़ती चली जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आज हम लोगों ने जो इस सेशन में सीखा तो देखा कैसे ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, और थोड़ा जो मैं हानिकारक चीज का बता रही हूँ उसको मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगी, कि जैसे हमारे जो अगर कहें प्लांट्स में जो किसी बकरी ने खाया तो वो, या किसी और जंतु ने खाया, और उसमें अगर कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स कुछ ऐसे दवाइयां हैं जो हम माइक्रो ऑर्गनिज्म को मार या जो नुकसान पहुंचा सकते हैं उस फसल को, उनको मारने के लिए डाली है, उसका एक अंश भी अगर उस प्लांट्स में आ गया तो वो प्लांट्स जब खाएगा कोई भी जीव तो वो अंश उसके अंदर चला जाएगा, और उस जीव को जब कोई और खाएगा तो वो जो एक कहीं हानिकारक जो एक उसके अंदर सब्सटेंस है वो आगे चलता चला जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे एक फूड चेन के द्वारा एनर्जी भी जा रही है, लेकिन कुछ हानिकारक पदार्थ भी ऐसे आगे फूड चेन में पास हो रहे हैं। तो अब टाइम है यह सेशन रोकने का, क्योंकि अगले सेशन में हम इस चैप्टर को आगे और बढ़ाएंगे। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं, बाय।